पिन नंबर 12618 दिल्ली हजरत निजामुद्दीन NZM एर्नाकुलम ERS LHB फॉर्मेट अपग्रेडेड मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस की इंप्ली में गाइज आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो हेलो गाइज, यार कैसे हो आप सब लोग? आपका मैं स्वागत गेमप्ले में ऑलरेडी कर चुका हूँ, साथ साथ आपका मैं हमारे प्यारे चैनल ट्रेन सिम गेमिंग पर भी स्वागत करता हूँ। और काफ़ी दिनों बाद आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले ना यार आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग हो कैसे। वैसे भी मैंने आपको लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था कि आप लोग हो कैसे, बहुत लोगों ने बोला भी यार भाई हम लोग ठीक है वगैरह, बहुत लोगों ने नहीं भी बोला। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हो। और पिछला वीडियो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक महीने पहले मैंने अपलोड किया था हमसफ़र एक्सप्रेस का, और काफ़ी ज़्यादा समय बाद यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ एक नया ट्रेन सिमुलेटर का कमेंट्री गेम प्ले। तो इस वाली वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखना, इंटरेस्टिंग जर्नी है। LHB ट्रेन है, WDP 4D लोकोमोटिव लीड कर रहा है हमारी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस को। जर्नी हम लोग कर रहे हैं कोंकण रेलवेज पर, काफ़ी बढ़िया रूट है। इससे पहले यार इस वाले रूट पर काफ़ी ज़्यादा गेम प्लेस कर चुका हूँ, और यार गेम प्लेस तो करूँगा ही इस रूट पर ज़्यादा, क्योंकि ये रूट है ही इतना बेहतरीन, तो क्या ही बोले। ओके, और अभी जर्नी समरी पर आ जाते हैं। आज का हमारा टास्क क्या है, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलानी है, गेम प्ले में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जस्ट 2 मिनट हो चुके हैं, बातें तो बहुत सारी कर रही है, मौका मिला है, समय मिला है, और इस समय का अच्छा खासा फ़ायदा उठाने का यहाँ पर मैं कोशिश करने वाला हूँ। और जो स्टेशन यहाँ पर हम लोग अराइव कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ, आप लोग ने स्टेशन बोर्ड तो ऑफकोर्स पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अरावली रोड स्टेशन एंटर करें। अब आप लोग बोलोगे कि यार अरावली रोड स्टेशन पर इस ट्रेन का तो हॉल्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आए तो क्यों आए हैं, हाई स्पीड एक्शन में हमें ये स्टेशन स्किप करना था, लेकिन हमें यहाँ पर भेज दिया गया है लूप लाइन पर। और अभी तो आपके दिमाग में आया होगा क्योंकि ये कोंकण रेलवेज है, सिंगल लाइन डीजल सेक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियल लाइफ में अब हो चुका है इलेक्ट्रिफाइड। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन हमारे गेम में तो अभी तक डीजल सेक्शन है, तो मज़ा है भाई। वैसे रियल लाइफ की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर ट्रेन सिम्युलेटर गेम खेल रहे, गेम में हम लोग मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस चला रहे। और यार मैं एक सेंटेंस कंप्लीट करना चाहता हूँ, बात ना किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती है, तो एक बात को ना मैं क्लियर कर ही नहीं पाता हूँ, एक बात को ना ऐसी अलग लिंक लग जाती है, तो मैं उसी लिंक में आगे चला जाता हूँ। तो बोलना मुझे ये था कि हम लोग लूप लाइन पर इसलिए आ चुके हैं, सिंगल लाइन डीजल सेक्शन है, क्रॉसिंग हमारे यहाँ पर होने वाले। एक दो शब्द मुझे बोलने के लिए देखिए कितना झंझट करना पड़ा, मैं यहाँ से वहाँ चला गया, फिर यार मैं अपने पुराने टॉपिक पर आ गया, और आपको मैं बताया कि हम लोग यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए रुके हैं, और सक्सेसफुली हमारी ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एंटर कर चुके हैं। अरावली रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप लोग कह सकते हो, सिग्नल की बत्ती है लाल, लोकोमोटिव लीड कर रहा है WDP 4D इटारसी शेड का ऑफलिंक, शायद आप लोग कह सकते हो इगतपुरी स्टेशन पर इस ट्रेन का लोको चेंज होता है। और ओहो बहुत ही बढ़िया सीन लग रहा है गाइस यार, कर स्टेशन है, रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही अरावली रोड स्टेशन, बढ़िया लग रहा है यार, ऊपर से एकदम बढ़िया लग रहा है। बर्ड भी आप लोग देख सकते हो, खूबसूरत सी LHB ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है, और एक क्रॉसिंग का आप लोग अनुभव लेंगे पीछे जाके। तो पीछे जाएंगे आप लोग और जो ट्रेन आएगी सामने से, क्रॉसिंग का मज़ा आप लोग लेंगे। यार ये दीनदयालु कोच देखिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार ये स्टेशन कर्व पे, यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें हैं बहुत सारी, यहाँ पर वाटर टैंक्स वगैरह है, यहाँ पर बैठने के लिए वो क्या बोलते हैं बेंच आप लोग कह सकते हो वो है, आजू बाजू का एकदम हरियाला एनवायरनमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेरे पर्सनली अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो मुझे ऐसे ही रूट अच्छे लगते हैं, रूट क्या बोल रहा हूँ यार, रूट कहते हैं रूट। तो पीछे हम लोग आ चुके हैं, सारे के सारे वाइड LHB स्लीपर क्लास के कोचेस हैं, छोटी विंडो वाले सिर्फ है हमारे दीनदयालु सेकेंड क्लास कोच। और एनीवे यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, यहाँ से हम लोग क्रॉसिंग एंजॉय करेंगे, जो ट्रेन आने वाली है सामने से हाई स्पीड में होगी कम स्पीड में होगी वो तो देखा जाएगा, तो एंजॉय द क्रॉसिंग। वाह, मडगांव लोकमान्य तिलक टर्मिनस AC डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ गाइस क्रॉसिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हुई, कल्याण WDP 4D गौरव लोकोमोटिव इन लीड था,
और यहाँ से भी हम लोग डिपार्ट करने की तैयारी में है। हॉर्न हमने सक्सेसफुली बजा दिया है और इसी के साथ यहाँ से अभी हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे रत्नागिरी तक। एंड वी आर डिपार्टिंग अरावली रोड्स स्टेशन। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया क्रॉसिंग में। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर हम लोग फिर से आएंगे फिर कभी नई जर्नी में। और डिपार्चर का यहाँ से हम लोग चल रहे एक अनऑफिशियल हॉल्ट के साथ में। क्रॉसिंग तो हो गई और अभी होने वाला है WDP 4D का एग्रेसिव हाई स्पीड एक्शन। सो रेडी हो जाइए, अब होने वाला है EMD का हाई स्पीड ज़बरदस्त वाला एक्शन। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ अभी शुरू हो चुका है WDP 4D का एग्रेसिव एक्शन ऑफ मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में। और यहाँ पर गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं टनल के अंदर में। टनल का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। लाइट्स मैंने ऑन कर दिए हैं लोकोमोटिव के और थ्रॉटल को मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है 80-90% आप लोग कह सकते हो, जो स्पीड मैक्सिमम रीच करेगी 110 या 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और ज़्यादा हमारा जो हाई स्पीड एक्शन होगा वो 110 और 115 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा स्पीड को एक्सेल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक सुपर फास्ट NHB ट्रेन है। 110 किलोमीटर से ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि NHB फॉर्मेट अपग्रेडेड ये ट्रेन है, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और फिर से यहाँ पर टनल में एंटर कर चुके हैं हम लोग। और अभी रत्नागिरी तक ना गाइस इतने ज़्यादा टनल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा मैं आपको पहले वाले गेम प्ले में भी बताया था, जब हमने जर्नी की थी मुंबई मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस NHB में, तो उसके अंदर बहुत सारे टनल्स मैंने आपको दिखाए थे। तो दिक्कत गाइस होती क्या है ना, टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है टनल्स में। तो कैसे वीडियो को मैं वहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ एडिटिंग के समय पर, वहाँ पर मैं अपनी बातों को चुप ही रखता हूँ। जब टनल में अंदर कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, तो आप बोल भी कह सकते हैं। अभी देखिए टनल से बाहर आ गए तो देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर नज़ारे दिख रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट कोंकण रेलवे का ये सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। जब भी यहाँ पर गेम प्ले करता हूँ ना, मन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न फील होता है। अब क्या ही बोलूँ ना मैं, खूबसूरत सी NHB ट्रेन है और LHB ट्रेन ही शायद हमने ज़्यादातर कोंकण रेलवे पर की है। ICF ट्रेन तो कभी चलाई नहीं है अभी तक, या वेस्ट कोस्ट मुंबई गोवा रूट पर। और अभी बात रूट के नाम से निकलती है, ये रूट का नाम जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, बहुत समय पहले ही बताया, हमेशा बोलता हूँ यार वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई गोवा रूट। और रूट के ओनर हमेशा की तरह है हमारे गेमिंग ट्रेन और रूट पेवर है। सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी मैंने बहुत सारे प्रीव्यू गेम प्लेस किए हैं इस वाले रूट पर, तो वो आप लोग ज़रूर से चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाओगे तो आपको बहुत सारे गेम प्लेस की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से आपका मनपसंद गेम प्ले जो भी होगा आप उसे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और आपका फीडबैक मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पेज की हमारी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके फॉलो करना, वहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा बहुत इनएक्टिव रहता हूँ जिसके कारण रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि एक तो चैनल हमारा है ड्रीम सिंह गेमिंग, ये चैनल का मैं ओनर हूँ, मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन अपना चैनल है, आप सभी यार एक फैमिली है TSG फैमिली। तो कैसा है ना, एंटरटेनमेंट को बरकरार रखना ये मेरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं बन पाती है, जिसके कारण वीडियो डालने में देरी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। तो लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे मौका मिलता है यहाँ पर मैं गेम प्ले अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। ओहो, ब्रिज का नज़ारा यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। दोनों साइड के जो ब्रिक्स है ना, ये रेड वाइट या ब्रिक्स आप लोग कह सकते हो या फिर वॉल टाइप कुछ भी आप लोग कह सकते हो, मुझे पता नहीं इसे कहते क्या है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब क्या बोलते हो, मज़ा ही आ गया इस वाले सीन को देखते हुए। ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है, 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ पर हमारी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस चल रही है। 3 टेयर शयन यान कोच आप लोग देख सकते हो, नॉन AC स्लीपर 3 टेयर, आसान शब्दों में कहने जाए तो वाइट विंडो LHB स्लीपर क्लास। और दीनदयाल एक्सप्रेस के है AC 3 टेयर है। रेक कॉम्पोजिशन का थोड़ा यहाँ पर गपला है, ठीक है, अपने स्टार्टिंग से जो भी लोग इस ट्रेन से ट्रैवल कर चुके हैं खास करके उन्होंने रेक कॉम्पोजिशन को नोटिस किया होगा इस वाले ट्रेन के, तो रेक कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा मतलब AC 3 टेयर के कोचेस शायद कम मैंने लगा दिए, मेरे ख्याल से 6 या 7 AC 3 टेयर के कोचेस हैं, मैंने यहाँ पर कोई 2-3 ही लगवा दिए।
या स्लीपर क्लास के ज़्यादा है। ओवरऑल कोचेस की बात करेंगे तो कुछ 21-22 कोचेस है, मैंने भी गिना नहीं। अब घाई घाई में गाइस ना रेक मैंने बना दिया, लोकोमोटिव भी घाई घाई में सिलेक्ट किया। प्लान मेरा कुछ और ही था, ERS WDP 40 आयरन मैन लगाने का सोच रहा था, लेकिन घाई घाई में मैंने यही लगा दिया ERC WDP 40। एक चमकता WDP 40 अगर मैं कहूँ दी लर्निंग वेस का, तो ये एक नया ऐसा लोकोमोटिव है जो मुझे ज़्यादा चमकीला लगता है। वो रियलिस्टिक उसके जो टेक्सचर्स है ना, ठीक है, बॉडी टेक्सचर जो है ना ये ERC WDP 40 के, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जब लोकोमोटिव रिलीज हुआ था ना दी लर्निंग वेस के, मेरे ख्याल से पहले सीरीज़ में WDP 40 ERC और एक दो और शेड के रिलीज़ हुआ था, और ये लोकोमोटिव को ना मैंने पहली बार इस्तेमाल किया था अमरकंटक एक्सप्रेस वाले गेम में। तो आपको पता होगा अमरकंटक एक्सप्रेस वाली जर्नी कुछ एक साल पहले मैंने की थी, 2021 मई या अप्रैल महीने में मेरे ख्याल से मैंने कवर किया था Part 1, Part 2 और Part 3 अमरकंटक एक्सप्रेस में। जर्नी मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, ज़रूर से आके चेकआउट कर सकते हैं इस वाली गेम प्ले के बाद में। और रफ्तार तो बरकरार रख ही रहे हम लोग, 112 की स्पीड से कंटिन्यूसली हम लोग चल रहे हैं। ट्रैक साउंड बढ़िया तरीके से सुनाई दे रहा है, LHB ट्रैक साउंड्स, मक्खन जैसे LHB ट्रैक साउंड यहाँ पर हमें सुनाई दे रहे हैं। मज़ा अनलिमिटेड मज़ा यहाँ पर चल रहा है, और आई होप आप लोग भी मज़ा कर रहे हो। और स्पेशली ना जब भी आप ना मेरे वीडियोस देखते हो, कोशिश ये करो हमेशा कि यार वीडियो ना फुल स्क्रीन पे देखो, फुल साउंड पे देखो, हेडफोन्स लगा के मस्त लेट के ना, और अगर पॉसिबल हुआ ना तो कुछ चाय नाश्ता लेके बैठना, तो तुम्हें ना जर्नी में मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें मैं बात नहीं करता यूजुअली, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, चाय नाश्ता लेके बैठ के ना मस्त हेडफोन लेट के एंजॉय। चलिए फिर से टैलेंट में, ये टैलेंट भी स्किप करके आपको मिलता हूँ मैं आगे। चलिए अब इतने समय से तो हम लोग लोकोमोटिव के पास ही थे, और ये जनरेटर कार का पीछे का नज़र आप लोग देख सकते हो, तो वाइड एंगल FOV 140 डिग्रीज आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जनरेटर कार का लेंथ देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब लेंदी जनरेटर कार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ना। नॉर्मल एंगल पर ये बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन वाइड FOV एंगल में ना 140 डिग्री पर तो ये भाई साहब एकदम ही ज़्यादा लेंदी लग रहा है। आप लोग देख सकते हो ना इसके कपलर्स, इसे नकल जॉइंट कहते हैं आसान शब्द में कहने जाए तो। नकल जॉइंट बहुत ही ज़्यादा परिचित शब्द है मेरे पास, नकल जॉइंट आपको पता होगा नहीं होगा, चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर स्टेशन स्किप करे हैं ना हम लोग, आजू बाजू में दोनों लूप लाइन जा चुके हैं। अरे यार स्टेशन का नाम ही नहीं पढ़ पाया मैं, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट रीड द नेम ऑफ स्टेशन। मेरे ख्याल से ये संगमेश्वर रोड स्टेशन है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करो तेजस एक्सप्रेस की जर्नी, जन शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी, कुछ ऐसा ही एनवायरनमेंट मैंने देखा था। तो मेरे ख्याल से ऊँचो स्टेशन में इसके बाद संगमेश्वर रोड स्टेशन है, आई होप सो दैट वॉज संगमेश्वर रोड स्टेशन, कन्फर्म करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। आज बाजू में तो रोड भी चल रहा है, हाईवे टाइप था, वहाँ पर गाड़ियाँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अरे ये क्या, ट्रेन तो फिर से टनल में जा चुकी है, फिर से आगे मिलना पड़ेगा लगता है। तो लोग आ चुके हैं आगे, और ट्रेन आ गई ना टनल से बाहर, वाह वाह वाह, वो WDP 40, वाह यार वाह, मज़ा ही आ रहा है यार गाइस। ये रूट पे ना ट्रेन चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत लोग यार इस रूट की लिंक मांगते रहते हैं मुझे, लेकिन यार मैं कितनी बार बोलूँ यार ये रूट पेवे है, पेवे रूट यार मुझसे मांगोगे यार कैसे चलेगा यार। रूट क्रिएटर ने थोड़ी मेहनत की है, उससे आप लोग ले लो ना रूट, मैं तो रूट देने नहीं वाला, वैसे मैं कोई रूट प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ सबसे पहली बात, तो आपको तो पता ही है रेगुलर व्यूअर्स को। और फिर से यहाँ पर टनल स्किप करके आ चुके हैं बाहर, टनल में अंदर ना, टनल के अंदर मुझे कह रहा है दिखाने लायक कुछ है नहीं यार, तो इसलिए टनल पे टनल आते रहते हैं तो स्किप करता हूँ, और मैं आगे की सीनरी आपको मैं कंटिन्यू करवाता हूँ। और तो EMD का एग्रेशन तो गाइस यार काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, हॉकिंग बाजी मस्त चल रही है ना। एक तो देखिए गेम प्ले एक पूरा कैसा होता है ना, सब कुछ मतलब उसमें अच्छे है, ट्रेन तो अच्छी चाहिए, सीनरी अच्छी चाहिए, रूट अच्छा चाहिए, सिवाय हॉकिंग ट्रैक साउंड भी अच्छे चाहिए, तो वो एक गेम प्ले को पूरा शोभा देती है, और हम उसे एक अच्छा गेम प्ले कंसिडर कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें हैं तो। और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आज के गेम प्ले में भी नज़र आ रही है आप सभी को, तो अगर आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि एंड में आपको गेम प्ले देखने के बाद मज़ा आता है कि नहीं आता है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना।
और अब यहाँ पर गाइस मैं फिर से आपको जनरेटर कार का पीछे का नज़रिया दिखा रहा हूँ, सीन दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा वाइड लेंथ है। ठीक है, एफओवी एंगल फीचर है ना, वो गाइस आपने वो लास्ट पोस्ट में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार वो फीचर आप कब हमें बताएंगे। तो देखिए, वो फीचर मैंने तो पहली बार डिस्कवर नहीं किया, मैं लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था हम सफर एक्सप्रेस वाले, अब जिसने डिस्कवर किया ना ये फीचर वो बताएंगे कि नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो चीज़ अपन खुद डिज़ाइन नहीं करते ना वो चीज़ डालना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमने खुद चीज़ को डिज़ाइन किया है तो हम डाल देंगे। अगर ये फीचर मैं डिस्कवर किया होता तो मैं ऑफकोर्स वीडियो अपलोड करता, लेकिन ये किसी और भाई साहब ने किया है तो मैं क्यों इंटरफेयर करूँगा। उनको डालना है तो डाल देंगे, नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे। उन्होंने डिस्कवर किया है और मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं ये ट्रिक मैंने डिस्कवर किया है, सही बात नहीं है ना फिर। ठीक है, यही मेरा इंटेंशन रहता है, बाकी कुछ नहीं। वो लोग अगर जिसने ये ट्रिक डिस्कवर किया अगर वो मुझे बोलेंगे कि भाई आप लोग कर आप कर सकते हो, ये ट्रिक को रिवील कर सकते हो, टोटल वीडियो आप अपने मेम्बर्स को बता सकते हो, हाँ तो तब जाकर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वरना मैं क्यों करूँगा ना। सिंपल सा फंडा है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी रोड जा रहा है, घाट टाइप इलाका है यहाँ पर। ओहो वाह, क्या सीन है, मस्त यार, बढ़िया लग रहा है, क्या बोलते हो। सच में ट्रेन जा रही है एमपीएस पे ब्रिज के ऊपर से, और ये टाइप्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग प्रकार के पेड़ आप लोग देख सकते हो, ऊपर घर भी है, रोड भी है यार। मज़ा ही आ गया। फिर से स्पीड। जब से अरावली रोड स्टेशन हमने स्किप करके हम लोग आगे आ चुके हैं, क्रॉसिंग करने के बाद मज़ा ही आ रहा है यार, हाई स्पीड एक्शन के साथ में। एसी टू टीयर का इंटीरियर मैंने आपको जस्ट दिखा, अर्धवट अपूरा इंटीरियर था, वो वाइड एंगल की वजह से पूरा वो फिट नहीं हो रहा था, थोड़ा भार का भी दिख रहा था। रेगुलर में वैसा होता नहीं है, सर्वेयर एफओवी। रफ्तार का खेल चल ही रहा है 112 कंटिन्यूसली। ग्रेडियंट लेवल बढ़िया तरीके से मेंटेन किए गेमिंग ट्रेन की तरफ से, एनवायरनमेंट लेवल भी बढ़िया है, ग्राउंड टेक्सचर्स प्रॉपरली मेंटेन्ड, टाइम अच्छा खासा है, ट्रेन बैंग ऑन टाइम रनिंग है। जैसे एक रिवर के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर नीचे छोटे मोटे खेत है आप लोग देख सकते हो, जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी दिखाया था, वही प्रकार की फीलिंग आ रही है, वही मज़ा है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस यहाँ पर ट्रेन नहीं है। लोकोमोटिव WDP-40 फर्स्ट टाइम इस सेक्शन पर मैं चला रहा हूँ, नहीं तो इससे पहले WDG-4B अंदाल छेड़ का मैंने जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ चलाया था, और बाकी एल्को का एक्सपीरियंस है, बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर से टनल से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और दोनों साइड के रॉक वॉल्स आप लोग देख सकते हो यार, ओहो रियलिस्टिक। मेरे ख्याल से आप हम लोग उक्षी स्टेशन एंटर करने वाले, क्योंकि उक्षी स्टेशन जो है ना लूप लाइन तो टनल के अंदर से ही जाते हैं, और यहाँ पर ही स्टेशन है, ये देखिए उक्षी स्टेशन लोग स्किप करें। जनशताब्दी एक्सप्रेस वाली गेम प्ले की यादें यहाँ पर ताज़ा हो जाती हैं, जहाँ पर हम लोग क्रॉसिंग के लिए रुके थे कोई अननोन उत्कृष्ट एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में। गेम प्ले आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, और इस बार कोई भी क्रॉसिंग ना करते हुए MP एक्सप्रेस स्टेशन स्किप कर रहे उक्षी, स्किप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर से यहाँ पर हम लोग टनल में एंट्री मार रहे हैं। तो ये टनल स्किप करके भी मैं आपसे मिलूँगा आगे। तो ओवरऑल शायद वीडियो लेंथ ड्यूरेशन जो होगी एक्चुअल जो आप लोग देख रहे हो वो शायद कम ही होगी, लेकिन यहाँ पर गेम प्ले में मुझे ना ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, क्योंकि बस टनल के कारण, बाकी कुछ नहीं, टनल में ही ज़्यादा समय जाता है। ऐसे सीनरी दिखाने में तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन टनल में हमारे पास वक्त नहीं है। चलिए, ये भी बढ़िया था गुरु, और LHB पार्सल वैन की, वैन क्या बोल रहा हूँ भाई, वैन रोड पे चलने वाली वैन नहीं है, कोच है, कोच के ऊपर आ गया था मैं, मुझे कहना था। अरे भाई क्या बड़ा ब्रिज है यार, ब्रिज की तो आदत हो गई है, इसमें कौन सी नई बात, नए व्यूअर्स के लिए नई बात। चलिए फिर से बाहर आ गए हम लोग, यार मेरे को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय से खेल रहा, अभी तो कंटाल आने लग गया मुझे। खैर आप लोग एंजॉय कर रहे हो, कंटाल मुझे क्यों आ रहा है ना, वो टनल में गए ना बहुत ही ज़्यादा समय जाता है यार, इसलिए ना अब थोड़ा बहुत कंटाल आ रहा है मेरे को। अब बस थोड़ी सी जर्नी बची है, एक्चुअली थोड़ी सी भी नहीं और भी ज़्यादा समय है यार, ऑलमोस्ट बात करेंगे तो
15 मिनट तो जा ही जाएगा, और ज़्यादा तो 12 से लेके 15 मिनट तक और जर्नी एक्सटेंड होगी मेरे ख्याल से। अब वीडियो लेंथ मुझे पता नहीं कितनी ज़्यादा हो चुकी है, खैर वो तो आप लोग देख ही सकते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, स्पीड एक्शन यार इस सीन से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या बोलते हो, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ट्रेन बढ़िया लग रही है। ट्रेन एकदम से टनल से बाहर आ गई और ये हाई स्पीड एक्शन मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। और कोंकण रेलवेज से ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, सिर्फ यही नहीं तो और भी ट्रेन्स हैं। आप लोग बात करोगे मुंबई मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस, मांडवी एक्सप्रेस, कोंकण कन्या एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, और वो देखिए WDP 4D आ गया लाइट्स ऑन करके। बाद में TVC राजधानी एक्सप्रेस है, नई दिल्ली त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, नेत्रावती एक्सप्रेस है, कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस है, और आप लोग बात करोगे एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस है, और भी एक्चुअली बहुत सारी ट्रेन्स है। आप लोग बात करोगे क्या यार उस ट्रेन का नाम, ऐसे तो बहुत सारी ट्रेन्स गैस दौड़ती है कोंकण रेलवे पर, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी, नाम मुझे और भी ज़्यादा ट्रेन्स के मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, दिवा सावंतवाड़ी पैसेंजर है, उसमें भी हम लोग ऑलरेडी गेम प्ले कर चुके हैं। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन था वो ऐसे पनवेल से लेके रोहा तक, शायद वो लोकोमोटिव यूज़ किया था हमने, GOC WDP 3 है। अब WDP 3 का तो नाम और निशान पूरा मिट चुका है भारतीय रेल से, अब पता नहीं नॉर्दर्न रेलवे में यूज़ होता है कि नहीं। और यहाँ पर गाइस स्टेशन हम लोग स्किप करें, कोई ट्रेन क्रॉसिंग के लिए नहीं है, एकदम सुनसान स्टेशन। वैसे सुनसान तो हर स्टेशन होता है, ऐसा कौन सा स्टेशन है ट्रेन सिमुलेटर में जहाँ पर आप लोग दिखने को मिलेंगे, सब स्टेशन तो सुनसान ही है। यहाँ पर भोके स्टेशन हम लोग गए स्किप किए अच्छी खासी रफ्तार में, 116 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्किपिंग भोके स्टेशन एट मोर देन MPS। नहीं MPS तो वैसे LHB कोचेस का MPS तो 130 है, लेस देन MPS कहता हूँ मैं कुछ भी बकते जा रहा हूँ, लेस देन MPS नाम की भी चीज़ होती है। वाह, मोर देन MPS, लेस देन MPS, ये बोलने वाला मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर पहला इंसान हूँगा जो मैं बोल रहा हूँ लो MPS क्या बोल रहा है, FPS नहीं MPS, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। FPS वो MSTS का वो ये है क्या, लैग वैग होता है ना वो सब, हाँ उसे FPS कहते हैं। ज़्यादा FPS मतलब कम लैग, मतलब लैग होता ही नहीं है, ज़्यादा FPS होगा तो मतलब 60, 70, 80 FPS वगैरह होगा तो उसमें लैग नज़र नहीं आता, कम FPS होगा 40 से नीचे तो लैग का नाम आ जाता है। फिर से टनल से बाहर, टनल आ रहा है जा रहा है, फिर से टनल आ रहा है आ रहा है जा रहा है, फिर से टनल आ रहा है आ रहा है जा रहा है, चल ही रहा है गाइस, चल ही रहा है, जर्नी चल रही है, आप लोग देख रहे हो टनल आ रहे हैं टनल जा रहे हैं, हाई स्पीड एक्शन चल रहा है, हॉकिंग चल रही है, ट्रैक साउंड सुनाई दे रहे हैं, बीच बीच में गायब भी हो रहे हैं। ठीक है, फिर से टनल, चलिए उस पार जाते हैं, इस बार टनल के अंदर से नहीं जाऊंगा, कंटाल आ गया यार गाइस, कितनी बार टनल के अंदर से जाऊंगा यार। अरे आप ही क्या है WDP 4D, लगता है हमसे तेज हो गया गतिमान एक्सप्रेस। हाँ गतिमान एक्सप्रेस, खुद को गतिमान एक्सप्रेस समझ रहा है, खुद को Web 5 समझ रहा है, WDP 4D खुद को Web 5 समझ रहा है। हाँ भाई क्या बोलते हो, Web 5 बोलो तुम्हें आजकल, डीजल हो यार डीजल की तरह रहो, डीजल है तो मज़ा है। ठीक है, मुझे तो पर्सनली डीजल लोकोमोटिव ही अच्छे लगते हैं, अब आपको मुझे नहीं पता आपको डीजल अच्छे लगते हैं या इलेक्ट्रिक अच्छे लगते हैं। कोंकण में तो डीजल ही चलता है, लेकिन नहीं 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 अब मैं नहीं बोल सकता, वो समय गए अब जा चुका है जब यार यहाँ पर अच्छे खास से डीजल लोकोमोटिव चलते थे मतलब दौड़ते थे, मुझे कहना है लोकोमोटिव चलता नहीं, लोकोमोटिव दौड़ता है ऐसी प्रीमियम ट्रेन के साथ में। ये ट्रेन भी पहले ICF हुआ करती थी, फिर ये LHB हो गई, मांडवी भी पहले ICF हुआ करती थी वो भी LHB हो गई, नेत्रावती ICF थी वो भी LHB हो गई। समय बदलता गया, सब कुछ बदलता गया यार, रूट की सीनरी बदलती गई, इलेक्ट्रिफाइड हो गया रूट, ट्रेन के लोकोमोटिव लिंक्स भी बदले गए डीजल टू इलेक्ट्रिक, ट्रेन की रेक्स ICF टू LHB हो गई, नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई, WCN 3 यहाँ पर चलने लग गया, दौड़ने लग गया, और क्या ही
मतलब आने वाला समय देखने को मिलने वाला है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिमिट्रेंस को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस सेक्शन को डीजल ही रखा, क्योंकि डीजल सेक्शन ही इस रूट पर अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी WDP-4D लोकोमोटिव खड़ा है आइडल पोजीशन पे, बढ़िया नज़ारा एकदम। एक ही लोकोमोटिव खड़े, मुझे लगा और भी खड़े होंगे, कल्याण WDP-4D। अरे ये तो गौरव है, गौरव दो बार मैंने ऐड कर दिया लगता है। चलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई क्रॉसिंग, ज़्यादा ट्रेन आपको देखने को ना मिले, लेकिन ओवरऑल गेम प्ले कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और एकदम धीमे धीमे गति से यहाँ पर हम लोग एंटर कर रहे हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जो है रत्नागिरी स्टेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेशन ऑफ कोंकण रेलवे जोन, नाम है रत्नागिरी। लो स्पीड ट्रैक साउंड्स सुनने में मज़ा आ रहा है यार, क्या बोलते हो। ये लोकोमोटिव शेड है छोटा सा, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं, एकदम सुना सुना सा स्टेशन है रत्नागिरी। एकदम धीरे 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 गति से ट्रैक्स स्विच कर रहे हैं। और इसी के साथ गाइस हमारी कंप्लीट हो जाती है एक और सक्सेसफुल जर्नी ऑफ 12618 NZM दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम ERS-NHB फॉर्मेट अपडेटेड, नाम है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। जर्नी कैसी लगी कमेंट्स में बताना गाइस, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके बाद वाली वीडियो कब आएगी, कैसे आएगी, कितने बजे आएगी, कौन से दिन पर आएगी, इन शॉर्ट कब आएगी, ये तो आने वाला समय ही मुझे बताएगा और आपको बताएगा। तब तक यार अभी तक तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता आने वाले समय में किस ट्रेन की जर्नी वाली होने वाली है, किस रूट पर गेम प्ले होने वाला है, क्या नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, समय ही मेरे को बताएगा, टाइम विल से एवरीथिंग। रत्नागिरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रत्नागिरी वाले पैसेंजर्स रेडी रहिए, सामान वामान बाहर लाइए डोर के पास में, कहीं ट्रेन निकल ना जाए, जल्दी से सामान उतर नीचे उतरा दिए, बाहर आप उतरिए ट्रेन से, टिकट रहेगा तो PC-VC रहेंगे, इधर उधर घूमते हैं ना, ठीक है, तो उनको टिकट ज़रूर से दिखाओ, और टिकट निकाल के ही ट्रेन में सफ़र करना, क्योंकि कुछ लोग होते ऐसे कि बिना टिकट के ही ट्रेन में सफ़र करते हैं। लोकल ट्रेन से मैंने यूजुअली देखा है बहुत सारे लोग बिना टिकट के सफ़र करते हैं, तो उनका लक बाय चांस अच्छा होता है तो वो पकड़े नहीं जाते हैं। और कभी कभार होता ऐसा है कि ट्रेन से बाहर उतरते ही जब आप ब्रिज के ऊपर जाते हो, ब्रिज फुट ओवर ब्रिज से आप लोग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हो और वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, आप लोग समझ रहे हो ना कौन मिल जाते हैं, तो टिकट निकाल के सफ़र कीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ में ज़्यादा मतलब टिकट कॉस्टली नहीं होते हैं, मतलब एकदम रीज़नेबल टिकट्स होते हैं, वो क्लास के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन से क्लास से ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि वरना तो सब कुछ काफ़ी अच्छा खासा है भारतीय रेल में और ये काफ़ी अच्छी बात है। और कितने कोचेस बचे हैं यार, लगभग बहुत ही ज़्यादा समय जा चुका है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स मैंने गवा दिए हैं, लेकिन वीडियो लेंथ शायद 35 मिनट्स तक तो पहुंच ही चुकी होगी, उससे कम 32 मिनट मैक्स मेरे ख्याल से यहाँ पर पहुंच चुका होगा गेम प्ले, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। और ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, मज़ा आया हमेशा की तरह, आज भी मुझे मज़ा आया, आप लोग को भी मज़ा आया होगा ऐसे ही उम्मीद रखता हूँ। और ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर कहने लायक है नहीं, रत्नागिरी स्टेशन तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ दो गेम प्लेज में, तो कोई यहाँ पर नई चीज़ दिखाने लायक तो है नहीं। और बस गेम प्ले एंड होने इतना ही कहूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जाते जाते इस वाली वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ आप लोग इस वाली जर्नी को शेयर करना, और तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मज़े करो, टेक केयर एंड गुड बाय।